देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। इंडिगो की डिब्रूगढ़ दिल्ली फ्लाइट में उड़ान के दौरान यात्री के फोन में लगी आग, चालक दल के सदस्यों ने वक्त रहते स्थिति को किया काबू। यूपी में लोक कल्याण के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरेगी सीएम योगी की टीम, 5 साल के लिए बनाई रणनीति। मंत्री के एस ईश्वरप्पा के इस्तीफे पर पेशकश के बाद बोले सीएम बसवराज बोम्मई, ये उनका अपना फैसला। गर्मियों की मार के बीच 3 राज्यों में गहरा सकता है बिजली का संकट, ऊर्जा मंत्री ने की बैठक। यूपी पहुंचा महाराष्ट्र के लाउड स्पीकर विवाद का शोर, अलीगढ़ कासगंज में लाउड स्पीकर से किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। सीएम योगी ने मंत्रियों के कामकाज की तय की नई व्यवस्था, 4 दिन लखनऊ और 3 दिन जिलों में होगा रहना। गन्ना किसानों को 100 दिनों में 8000 करोड़ का भुगतान करेगी योगी सरकार, 14 दिनों के भीतर मिलेगा दाम। लखीमपुर खीरी लाइनमैन गोकुल की आत्महत्या के मामले में जेई नागेंद्र शर्मा और सहयोगी गिरफ्तार। यूपी के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को नई किताबें मिलने का रास्ता साफ, अब जुलाई में शुरू होगा वितरण। मदरसा शिक्षा भर्ती में अब नहीं चलेगा भाई भतीजावाद, यूपी सरकार टीईटी की तर्ज पर एमईटी करने जा रही लागू। अमेरिका की मदद के बाद यूक्रेन हुआ हमलावर, रूसी शिप को मार गिराने का दावा रूस ने किया खारिज। सीमा पर यूक्रेन सेना की गोलीबारी से भड़का रूस, राजधानी कीव के कमांड सेंटर पर दी हमला करने की धमकी। यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन भी रूस के निशाने पर, नाटो में शामिल होने की संभावना पर दी धमकी। इमरान खान का दावा, शहबाज शरीफ के राज में सुरक्षित नहीं परमाणु हथियार, पाकिस्तान आर्मी ने दिया जवाब। अब ट्विटर को खरीदना चाहते हैं एलन मस्क, सोशल मीडिया कंपनी ने ऑफर पर दिया जवाब। हार्दिक पांड्या के खतरनाक थ्रो से टूट गया स्टंप, संजू सैमसन को किया रन आउट। राजस्थान की हार के बावजूद संजू सैमसन ने की पांड्या की तारीफ, उन्होंने कहा कि जीत का पूरा श्रेय पांड्या और उनकी टीम को जाता है। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा अब गुजरात टाइटंस, ऑरेंज और पर्पल कैप पर राजस्थान के खिलाड़ियों का कब्जा। राजस्थान के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी कर हार्दिक पांड्या ने मचाया धमाल, कई रिकॉर्ड्स बनाए। गुजरात ने राजस्थान को चटाई धूल, फर्ग्यूसन ने पलटा मैच का रुख। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने शादी में 7 नहीं बल्कि लिए सिर्फ 4 फेरे, एक्ट्रेस के भाई ने बताई वजह। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के बाद सिद्धि विनायक मंदिर में कर सकते हैं भगवान के दर्शन। आलिया रणबीर की शादी की फोटो और वीडियो जारी, एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आए दोनों।
मामा की शादी में करीना कपूर के छोटे बेटे जेहन ने लूट ली महफिल, वायरल हुई क्यूट तस्वीर। ढोलक बज रही है, बन्ना बन्नी गा रहे हैं बेटी की शादी पर सोनी, राजदान को इला अरुण की अनोखी बधाई। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।